तो गाइज GTPL हैथवे की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियन में है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग कंपनी की एक्सपेंसेस, उसके बाद नेट प्रॉफिट, EPS एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 8,505.82 मिलियन का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 8,148.41 मिलियन का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 7,805.7 मिलियन का इनकम जनरेट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में कंपनी ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ अगर अब इस कंपनी के बारे में नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 8,286.27 मिलियन का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 7,927.69 मिलियन का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 7,328.28 मिलियन का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 149.91 मिलियन का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 351.97 मिलियन का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 160.5 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में है। एंड यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की इनकम जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली कंपनी की इनकम ग्रोथ दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी की इनकम जितनी तेजी से ग्रो कर रही है उससे ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी की इनकम ग्रोथ की जो रेट है उससे ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन नियर फ्यूचर कंपनी की जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि जितनी तेज़ी से कंपनी की इनकम ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन नियर फ्यूचर विद इन अ ईयर और टू ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी, क्योंकि कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है इस कंपनी के बारे में। बाकी अगर EPS के बारे में बात करें तो कंपनी का जो EPS का वैल्यू निकल के आ रहा है बहुत बेसिक एंड डाइल्यूटेड का सेम ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिक EPS का वैल्यू जून 2024 का निकल के आ रहा है 1.27 का, मार्च 2024 का निकल के आ रहा है 1.17 का एंड जून 2023 का निकल के आ रहा है 3.19 का। तो कंपनी का जो EPS का ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो EPS का ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो देखो गाइस जून 2024 में कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ रहा है अप्रॉक्सिमेटली 1.76% नेट प्रॉफिट मार्जिन की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मार्च 2024 का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ रहा है अप्रॉक्सिमेटली 1.97% की एंड जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 4.5% की। ये मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी की जो इनकम है वो तो ग्रो कर रही है, कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में है ही है, लेकिन कंपनी की इनकम से ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है, इसलिए आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में भी देख सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी की वो भी दोनों ही केसेस में नेगेटिव में है। कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही दोनों ही केसेस में नेगेटिव में है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। अगेन मैं अभी भी यही बोलूंगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी, कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू कंपनी की इनकम, विच इज कंसर्निंग फॉर अस। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एक्सपेंसेस के वजह से मैं यही बोलूंगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है, कंपनी ने हाँ ऑब्वियसली जून 2024 की क्वार्टर में भी प्रॉफिट दिया है, ऑलमोस्ट 150 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया है जून 2024 की क्वार्टर में, लेकिन अगर ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे है, कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है इन जून 2024 की क्वार्टर, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि आपका जो व्यू है वो कुछ अलग हो, बाकी अगर किसी और कंपनी का आपको
मतलब ऐसे रिजल्ट जानना है, मैं तो जो भी मतलब मेजर कंपनीज है, जो भी मतलब हॉट पिक कंपनी है, उनका तो मैं रिजल्ट का वीडियो बना ही रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई किसी और कंपनी का रिजल्ट के बारे में जानना है, जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया, अगर जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उस कंपनी के रिजल्ट के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।